हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पीकेबी एजुकेशन यूट्यूब चैनल। और कल ही मैंने कम्युनिटी टैब डाली थी, जिसके अंदर मैंने जो लिखा था वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों, आपका जो भी डाउट या सजेशन है वो कमेंट करें। कल यानी मंगलवार, यानी आज मंगलवार हो गया है, 9 बजे वीडियो आपके सामने कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, मैंने यह है जो है कम्युनिटी टैब के अंदर डाला था और कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किए हैं, तो मैं उनके जवाब देना चाहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपने कमेंट किया है तो आप रिप्लाई ज़रूर देखिए अपना। सबसे पहले कमेंट छानी वाला यार, तो दोस्तों ये गुलजार छानी वाला के बहुत बड़े फैन लग रहे हैं मेरे को, और इनका कमेंट है भाई VLDA के फॉर्म कब स्टार्ट होंगे। तो भाई, मैंने VLDA के फॉर्म पर पहले ही एक वीडियो यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रखी है, और फॉर्म आने में अभी थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जैसे ही फॉर्म आएंगे वीडियो के थ्रू आपको बता दिया जाएगा। या फिर यूनिवर्सिटी की तरफ से, यानी कि लुवास जो यूनिवर्सिटी है उसकी तरफ से कोई भी अपडेट आती है दोस्तों, एक एक अपडेट आपको इस चैनल पर दी जाएगी, तो आपको जो है हम ज़रूर बता देंगे। चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, चैनल से दोस्तों जुड़े रहें, आपको डिटेल्स जो है टाइम पर मिलती रहेगी। और इनका रिप्लाई किया है, हाँ सर प्लीज़ बताओ कब स्टार्ट होगा। तो दोस्तों बता दिया मैंने, तन्नू कौशिक ने इसका रिप्लाई किया है, मैंने आपको बता दिया है कि जब भी फॉर्म आएंगे आपको बता देंगे, आप चिंता ना करें। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट कमेंट की ओर। सर ये है जशन का, और सर टेल लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग फॉर एडमिशन BSc एग्रीकल्चर ऑफ पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विदाउट फाइन। तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी कोई अपडेट नहीं आ रही है दोस्तों। PG के लिए इनका एक नोटिफिकेशन आया था, अंडर ग्रेजुएट 4 ईयर यानी कि +2 बेस और 6 ईयर यानी कि 10th बेस के एग्ज़ाम जो होते हैं, AAT एप्टीट्यूड वाला टेस्ट होता है और CET यानी कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो दोस्तों, दोनों की कोई भी डिटेल या फिर अपडेट अभी तक ऑफिशियली अपलोड नहीं की गई है, लेकिन जैसे ही अपलोड की जाएगी हम आपको बताएंगे। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कमेंट की, जो रवि वर्मा की तरफ से आ रहा है। भाई BSc एग्रीकल्चर CCS अच्छे यूनी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में टोटल सीट्स कितनी है 6 ईयर प्रोग्राम के लिए, और कट ऑफ कितनी जाती है? तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, कट ऑफ जो है उसके लिए स्पेशल वीडियो बना दी है ऑलरेडी, तो आप इसके बारे में बार बार मत पूछें। फिर हम बात करते हैं दोस्तों कितनी सीट्स है, तो सीट्स जो है टोटल 50 सीट्स है 10th बेस की। बाकी डिटेल्स आप प्रोस्पेक्टस के अंदर आसानी से रीड कर सकते हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो अगेन कमेंट कीजिएगा। जशन वाला कमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, इन्होंने 2 बार कमेंट किया है तो हम रिप्लाई तो इनका 1 बार ही देंगे भाई। करण सिंह का नेक्स्ट कमेंट है, सर BSc एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम के नोट्स का PDF प्रोवाइड करवा दो, जिसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ साथ और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो। तो भाई मेरे को ये कमेंट अच्छा लगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको सिलेबस की एक एक डिटेल जो है बता दी है, आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दिया है, और वहाँ से आप उस सिलेबस को तैयार कीजिए, यानी कि आप सिलेबस को देखकर अच्छी तरह से अपनी तैयारी कीजिए। हमारे पास जितना भी नोट्स का PDF या भी जितना भी मैटर होगा हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, जब तक एग्ज़ाम होगा उससे पहले पहले हम अपना सारा मैटर प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों आप अपनी तैयारी जारी रखिए, और हम जो मैटर आपको जो दिनों दिन प्रोवाइड करवाते जाएंगे उससे भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, लेकिन डिपेंड ना रहें दोस्तों, किसी पर भी डिपेंड ना रहें, आप अपनी तैयारी करते रहें दोस्तों। मैं कहता हूँ 10th बेस की साइंस NCERT या जितनी भी आपके पास बुक्स है वहाँ से अच्छी तरह से आप तैयारी कर लीजिए। बाकी कमेंट अच्छा था, मेरे को ये पसंद आया जो सवाल इन्होंने पूछा। बात करते हैं देव चहल के नेक्स्ट कमेंट की, सर इसमें कितने बच्चों ने CCS HAU 4 ईयर प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया है? तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, जब फॉर्म अप्लाई हो जाते हैं टोटल यानी कि 20 तारीख जो इसकी लास्ट है 20 तारीख तक अप्लाई किए जाएंगे, बाकी अगर डेट बढ़ती है तो वो बाद में पता चलेगा, लेकिन उसके बाद यूनिवर्सिटी जो है एक PDF यूनिवर्सिटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर एक PDF दोस्तों अपलोड की जाती है, जिसके अंदर हमें पता चल जाता है कि कितने फॉर्म अप्लाई किए जाने हैं। तो दोस्तों जो फॉर्म की डेट हो जाएगी अवर तो हमें वो PDF मिलेगी, तभी हम बता पाएंगे कि कितने जो है बच्चों ने अप्लाई किया है 4 ईयर प्रोग्राम और 6 ईयर प्रोग्राम के लिए। एंड सर द मटेरियल विच यू आर प्रोवाइडिंग टू स्टडी इज़ इट इनफ टू गेट एडमिशन इन CCS HAU? तो भाई मैं आपको बता देता हूँ, हम नहीं कहते हैं कि ये इनफ है, अगर आप NCERT की पूरी बुक पढ़ लेते हो तो भी हम नहीं कहेंगे कि ये इनफ है, क्योंकि दोस्तों
तैयारी आप कितनी भी कर लीजिए, इनफ कुछ नहीं होता है, तैयारी आप करते रहें और हम पर भी आप डिपेंड ना रहें। पर हम इतना ज़रूर कह सकते हैं दोस्तों, आपको हम सिलेबस के नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे लास्ट तक, यानी कि एग्ज़ाम से पहले पहले, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा देंगे। अगर दोस्तों आप वीडियो देखते हो डेली तो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे नोट्स, ज़रूर नोट्स और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बाकी हम कह नहीं सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है दोस्तों। आप वीडियो देखते हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनफ कुछ नहीं होता है। हम इतना मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि जितना सिलेबस है उसके हम नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आज दोस्तों एक भी वीडियो प्रिपरेशन के लिए नहीं आई है, लेकिन कल इसकी वीडियो ज़रूर जो है अपलोड कर दी जाएगी। भाई VLDA में फ़ोन प्लेसमेंट मिल सकती है क्या? तो भाई VLDA में फ़ोन प्लेसमेंट मिल सकती है VLDA में, लेकिन उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप पहले VLDA के एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, आपको कोई भी प्लेसमेंट मिले वो बहुत अच्छी बात होती है। आप फ़ोन प्लेसमेंट के लिए ही क्यों पूछ रहे हो, मैं कहता हूँ प्लेसमेंट मिलनी चाहिए। और VLDA में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको बहुत बढ़िया जगह प्लेसमेंट हो जाती है, तो वो आप टेंशन ना लें, VLDA की आप तैयारी कीजिए। कविता बाजवा का ये कमेंट है। बात करते हैं गेम जोन नेक्स्ट कमेंट। भाई यूनिवर्सिटी में फ़ोन की कंपनी भी प्लेसमेंट कैंपस में आती है क्या? तो भाई सॉरी, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे को नहीं पता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा है। हम बहुत सी यूनिवर्सिटियों पर वीडियो अपलोड करते हैं, तो आप यूनिवर्सिटी ज़रूर मैंसन करें अपने कॉमेंट के अंदर। नेक्स्ट कमेंट देव चहल। सर क्या हमारा एग्ज़ाम तक पूरा सिलेबस हो जाएगा? तो जैसे कि मैंने बताया, हमारे पास जितना भी मटेरियल है वो हम अपलोड कर देंगे, वो आप चिंता ना करें, बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमारे पास जितना मटेरियल होगा हम अपलोड कर देंगे, लेकिन आप अपनी पूरी तैयारी रखिए और अपना सिलेबस आप जो है खुद, जो आपके पास बुक्स है प्लस टू बेस की या फिर टेंथ बेस की, जो भी आगे आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो आप ज़रूर रीड करते रहें। बात करते हैं एजुकेशन इंडिया, जो कि नेक्स्ट कमेंट है। भाई वीडियो डालने में रेगुलर रहो, आप रेगुलरली 6 ईयर BSc की वीडियो नहीं डाल रहे हो। तो भाई मुझे भी पता है मैं नहीं डाल पा रहा हूँ। एक तो इसका कारण ये है कि जितना सोचता हूँ मैं उतना आप जो है प्यार नहीं देते हो वीडियो को, यानी कि इंटरेस्ट भी नहीं दिखाते हो आप वीडियो के अंदर। मैं रोज़ाना वीडियो के अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ, कुछ खुद करने के लिए देता हूँ आपको, बोलता हूँ कि ये क्वेश्चंस मेरे को आप करके दिखाओ, लेकिन दोस्तों आप नहीं दिखाते हो, कमेंट बॉक्स में आप उनका रिप्लाई नहीं करते हो। तो यही कारण है कि आपकी जो है वीडियोज़ रेगुलरली नहीं आ रही है। चाहिए हम बात करते हैं 6 ईयर प्रोग्राम की, चाहे 4 ईयर प्रोग्राम की, लेकिन मैं इतना आपको फिर से कह देता हूँ, एग्ज़ाम से पहले पहले सारी वीडियो जितनी अपलोड होनी है वो आ जाएगी, चाहे कभी आए, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक वीडियो तो अपलोड करें ही करें। हो सकता है किसी दिन दो दो वीडियो भी अपलोड होनी शुरू हो जाए, लेकिन एक वीडियो अपलोड डेली होगी। दूसरी बात ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि थोड़ी आजकल नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है, आपको पता है दोस्तों लॉकडाउन के अंदर सभी घर में हैं और सभी नेट को यूज़ करते हैं, तो नेटवर्क स्लो हो जाता है, जिसके कारण जो है वीडियो रेगुलरली अपलोड नहीं हो पाती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट एंड लास्ट कमेंट तन्नू कौशिक। VLDA का बताइए कब फॉर्म आएगा, कब एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा? तो भाई मैंने पहले भी इसका रिप्लाई कर दिया है, एग्जैक्ट डेट अभी आई नहीं है, ना ही कोई यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट है। बात थी BVSC और VS जो भी इनके और होते हैं DVLT की, तो उनका जो है नीट बेस पर कर दिया गया है, वो पहले एक और वीडियो में मैंने आपको बता दिया है, और ये बहुत पहले की बात है जब ये अपडेट आई थी। उसके बाद यूनिवर्सिटी की ऑफ जो ऑनलाइन वेबसाइट है उस पर कोई ख़ास अपडेट हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो दोस्तों ये थे आपके कमेंट्स और मैंने कर दिए हैं आपके रिप्लाई इस वीडियो के कमेंट में, सॉरी कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कीजिए, आपकी मैं रिप्लाई करूँगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और इसी तरह विजिट करते रहें आपके अपने YouTube चैनल PKB एजुज्ञान को।